ये दोस्तों फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि मच अवेटेड हॉलीवुड फिल्म अवतार 2 का टाइटल कंफर्म हो गया है। जी हाँ, कल सिनेमा कॉन के इवेंट पर फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया है और साथ ही फिल्म का ऑफिशियल लोगो भी रिलीज किया गया है। तो ये फिल्म का लोगो है। फिल्म का नाम अवतार द वे ऑफ वाटर रखा गया है। तो अवतार 2 का टीजर ट्रेलर 6 मई को रिलीज किया जाएगा और ये फिल्म 16 दिसंबर को रिलीज होगी। लेकिन उससे पहले अवतार फिल्म एक बार फिर से सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। जी हाँ, अवतार फिल्म की यादें ताजा करने के लिए ये फिल्म 23 सितंबर को कुछ सिलेक्टेड थिएटर में रिलीज होगी। तो अगर आप भी अवतार फिल्म को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं तो 16 सितंबर को देख सकते हैं। और जैसा कि अवतार 2 के साथ शज़ाम 2 भी 16 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब शज़ाम 2 की रिलीज डेट चेंज कर दी गई है। जी हाँ, फिल्म को एक हफ्ते आगे कर दिया गया है। शज़ाम 2 16 दिसंबर की बजाय अब 22 दिसंबर को रिलीज होगी। महेश बाबू की मच अवेटेड फिल्म सरकारू वारीपादा का ट्रेलर 2 मई को रिलीज किया जाएगा। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो 12 मई को रिलीज होगी। देखते हैं सरकारू वारीपादा का ट्रेलर कैसा होता है। और अदित रॉय कपूर की अपकमिंग फिल्म ओम का टीजर रिलीज किया गया है। यहाँ इस टीजर में आपको सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखने को मिलेगा। पूरा टीजर एक्शन से भरा हुआ है। अदित रॉय कपूर जबरदस्त एक्शन अंदाज में नजर आ रहे हैं। अब टीजर देखने में तो अच्छा लग रहा है, देखना होगा कि फिल्म की कहानी कैसी होती है। ओम द बैटल विद इन को कपिल वर्मा ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 1 जुलाई को रिलीज होगी। कंगना रनौत की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म धाकड़ का ट्रेलर कल 29 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। टीजर काफी अच्छा लगा था, तो अब देखते हैं कि फिल्म का ट्रेलर कैसा होता है। कंगना रनौत के साथ इस फिल्म में अर्जुन रामपाल भी नजर आएंगे। ये फिल्म 20 मई को रिलीज होगी। आज समांथा रुद प्रभु के जन्मदिन पर अनाउंस किया गया है कि उनकी अपकमिंग फिल्म यशोदा का पहला ग्लिम्स 5 मई को 11:07 पर रिलीज किया जाएगा। यशोदा एक साईफाई थ्रिलर फिल्म है जिसे हरी एन हरीश ने डायरेक्ट किया है। इसलिए में समांथा रुद प्रभु लीड रोल में नजर आएंगी। ये एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे तेलुगु के साथ साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में 12 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। पोनी सेल्वन पार्ट 1 और पार्ट 2 का स्ट्रीमिंग राइट अमेजोन प्राइम ने खरीद लिया है। दोनों फिल्मों के राइट अमेजोन प्राइम ने 125 करोड़ में खरीदा है। तो थिएटर में रिलीज होने के बाद ये फिल्म अमेजोन प्राइम पर देखने को मिलेगी। पोनी सेल्वन पार्ट 1 30 सितंबर को रिलीज होगी और दूसरा पार्ट 2023 या फिर 24 में रिलीज होगा। लाल सिंह चड्ढा का पहला सॉन्ग कहानी को रिलीज किया गया है। इस सॉन्ग को आप टी सीरीज पर सुन सकते हैं। ये वही कहानी है जो पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड में था। तो आपको ये कहानी सॉन्ग कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और खबरों की माने तो संजय दत्त एक और साउथ फिल्म में विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। जी हाँ, ऑफिशियल नहीं है लेकिन खबर आ रही है कि थलापाटी 67 में संजय दत्त विलन के रोल में नजर आएंगे। थलापाटी 67 विजय की अगली फिल्म होगी जिसे थलापाटी 66 के बाद रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को मास्टर फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कंगाराज डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट होगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि संजय दत्त एक और साउथ फिल्म में विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। देखते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। शहनाज गिल को सलमान खान की अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में साइन किया गया है। इसलिए शहनाज गिल आयुष शर्मा के अपोजिट नजर आएंगे। तो ये काफी अच्छी खबर है कि शहनाज गिल सलमान खान की फिल्म में नजर आने वाली हैं। कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। इस साल रिलीज हुई टॉम हॉलैंड और मार्क वॉलबर्ग की एक्शन एडवेंचर फिल्म अनचार्टेड को बुक माई शो पर रिलीज किया गया है। अनचार्टेड फिल्म को आप बुक माई शो पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में देख सकते हैं। साथ ही साईफाई डिजास्टर फिल्म मूनफॉल को अमेजोन प्राइम और लायंस गेट प्ले पर रिलीज किया गया है। अमेजोन प्राइम और लायंस गेट प्ले पर आप इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु में देख सकते हैं। डॉग फिल्म को भी अमेजोन प्राइम पर रिलीज किया गया है। इस साल की सुपरहिट फिल्म डॉग को आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देख सकते हैं। तो ये तीन फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं। कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।